नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ खबर जिन पर नजर। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नई आईटी को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी खूब हो रही है कि नए आईटी नियमों के नहीं मानने पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवाद। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद नए आईटी नियमों की वजह से शुरू हुआ है, जिन्हें भारत सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। यानी अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ओरिजिनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को 3 अधिकारियों, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेंट पर्सन और रेजिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर को नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर भी होना अनिवार्य है ताकि लोग शिकायत कर सके। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समय सीमा भी तय की गई है। कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को भी कहा गया है। इन नियमों ने सरकार का बचाव किया है और कहा है कि इसमें किसी की निजता का हनन नहीं होता है। सरकार का कहना है कि नए आईटी नियमों के तहत देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जाँच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है। नए आईटी नियमों से आम लोगों को क्या नुकसान होगा? आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप को सभी मैसेजेस को ट्रेस करना होगा और यूजर्स के सभी प्राइवेट मैसेजेस का हिसाब कंपनी के पास रहेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स का और भी ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगी। अगर कंपनियां नए नियमों को नहीं मानती है तो उन पर मौजूदा आईटी एक्ट के तहत एक्शन होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। अगर सोशल मीडिया कंपनियां नई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं, तो उन पर मौजूदा आईटी कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। नए आईटी नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन गूगल और फेसबुक का कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि हम नए नियमों का पालन करने के लिए सुधार करने की ओर काम कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। वहीं भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हू ऐप ने सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने के बीच दो बड़ी फार्मा कंपनियों ने राज्यों को टीका देने से साफ मना कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना राज्यों को टीका देने से मना कर रही हैं। दुनिया की दिग्गज दवा कंपनी फाइजर भारत को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करा सकती है, लेकिन उसके लिए प्री ऑर्डर और एडवांस पेमेंट मांग रही है। अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर दुनिया के अन्य देशों को भी इसी शर्त पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है। भारत सरकार के प्रतिनिधियों और दवा कंपनी के शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग से ये जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अपनी तरफ से फाइजर ने सरकार को ये भरोसा दिया है कि अगर उसके कोरोना टीके की आपूर्ति की यह डील हो जाती है तो कंपनी वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए तकनीकी संबंधी मदद करने के लिए भी तैयार है। इसमें रिसर्च और मॉडिफिकेशन से संबंधित प्रक्रिया शामिल है।
कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बाद जब उसका नया वेरिएंट सामने आता है तो उस हिसाब से कोरोना टीके में बदलाव किया जाता है, जिसके लिए रिसर्च और मॉडिफिकेशन आदि की जरूरत होती है। भारत सरकार के अधिकारी और फाइजर के टॉप अधिकारियों ने इस मीटिंग को विदेश मंत्रालय के सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने आयोजित कराया था। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने भी इस तरह की बातचीत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर साल 2021 में ही भारत को कोविड का 5 करोड़ का टीका उपलब्ध कराने को तैयार है, लेकिन वह क्षतिपूर्ति सहित कुछ शर्तों में बड़ी छूट चाहती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार के स्तर पर हम फाइजर या मॉडर्ना दोनों कंपनियों से कोरोना टीका मंगवाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट चल रहा है और इस वजह से दोनों कंपनियों के ऑर्डर पहले से ही बुक चल रहे हैं। अब इन कंपनियों पर निर्भर करता है कि उनके प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि होती है और उनके पास कितना टीका बचा होता है और वो भारत को कितना टीका उपलब्ध करा सकते हैं। वो भारत सरकार को इस बारे में जानकारी देंगे और सरकार को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि फाइजर और मॉडर्ना का कोरोना टीका राज्यों को मिल सके। अमेरिका के अलावा यूरोप के कई देशों ने पिछले साल ही कोरोना वैक्सीन लेने के लिए फाइजर के पास अपने ऑर्डर बुक कर दिए थे। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जिस समय नियामक से मंजूरी नहीं मिली थी उसे तभी ऑर्डर दे दिया गया था। फाइजर की लिस्ट में जापान शीर्ष पर है क्योंकि वहां अगले कुछ दिनों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों कंपनियों ने दिसंबर 2020 से वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है और साल 2023 तक उसे इन देशों को वैक्सीन की डोज की आपूर्ति करनी है। अप्रैल के मध्य में भारत ने ये घोषणा की थी, देश में अब कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की शर्त जरूरी नहीं रह जाएगी। कोरोना महामारी के चलते हुए देरी के बावजूद भारतीय सुरक्षा बलों को 4 इजराइल ड्रोन जल्द मिलने जा रहे हैं, जो लद्दाख और एलएसी से लगते हुए अन्य इलाकों में तैनात किए जाएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि वो कौन से 4 इजराइल ड्रोन मिलने वाले हैं। पिछले करीब 1.5 साल से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। दरअसल भारतीय सेना को चीन से लगने वाली सीमा पर निगरानी रखने में विशेष मदद मिलने वाली है। जल्द ही इजराइल के हेरॉन ड्रोन भारत को मिल जाएंगे। इस ड्रोन के जरिए सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा और लद्दाख में और पैनी निगरानी कर पाएगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से ड्रोन की डिलीवरी में देरी हुई है। सूत्रों का यह कहना है कि कोरोना महामारी के चलते हुई देरी के बावजूद भारतीय सुरक्षा बलों को 4 इजरायली ड्रोन जल्द मिलने जा रहे हैं, जो लद्दाख और एलएसी से लगते हुए अन्य इलाकों में तैनात किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि जो ड्रोन जल्द भारत आ रहे हैं वो मौजूदा हेरॉन ड्रोन से ज्यादा एडवांस है और पिछले वर्जन के मुकाबले इनकी एंटी जैमिंग क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर है। इन ड्रोन की खरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से दिए गए आपात वित्त अधिकार के तहत की गई है, जिसमें चीन के साथ तनातनी के बीच सुरक्षा बलों को 500 करोड़ तक के हथियार और सुरक्षा से जुड़े साजो सामान खरीदने की छूट दी गई है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी की IAI ने निगरानी करने वाले उपकरणों में खास ड्रोन तैयार किए हैं। इन खास एयरक्राफ्ट को आज के आधुनिक युद्ध स्थलों में काफी खुफिया जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है। हेरॉन एक मीडियम एल्टीट्यूड का UAV है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलांस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरकार ने बॉलीवुड के महान अभिनेता राज कपूर और दिलीप कपूर की पेशावर में मौजूद पुश्तैनी हवेलियों को खरीद उन्हें संग्रहालय में तब्दील किए जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया है।
पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनवा सूबे की सरकार ने बॉलीवुड के महान अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की पेशावर में मौजूद पुश्तैनी हवेली को खरीद उन्हें संग्रहालय में तब्दील करने के लिए 2.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये राशि पुरातत्व विभाग ने पेशावर के उपायुक्त को सौंपी है। ये कदम दोनों हवेलियों के मौजूदा मालिकों को खरीद के लिए अंतिम नोटिस जारी करने के बाद उठाया गया। खैबर पख्तूनवा के पुरातत्व निदेशक अब्दुल समद ने कहा कि सरकार दोनों घरों का कब्जा लेगी और ढांचे को उनके पुराने स्वरूप में बहाल करने का कार्य आरंभ करेगी। आगे उन्होंने कहा कि सरकार दोनों इमारतों को संरक्षित करेगी ताकि लोग फिल्म उद्योग में दिलीप कुमार और राज कपूर साहब के योगदान के बारे में जान सकें। खैबर पख्तूनवा की सरकार ने 6.25 मरला में निर्मित राज कपूर के घर और 4 मरला में बने दिलीप कुमार के घर के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपए और 80 लाख रुपए की कीमत तय की है। बता दें कि मरला भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में जमीन की पैमाइश का पुराना पैमाना रहा है और एक मरला यानी 272.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। कपूर की हवेली के मौजूदा मालिक अली कादर ने 20 करोड़ रुपए की मांग की है, जबकि दिलीप के घर के मौजूदा मालिक गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि सरकार को बाजार की कीमत 3.50 करोड़ रुपए हमें देने चाहिए। गौरतलब है कि राज कपूर का पैतृक निवास पेशावर के किस्सा खुआनी बाजार में है, जिसका निर्माण उनके दादा दीवान बशवेश्वर नाथ कपूर ने किया था। दिलीप कुमार का पुश्तैनी मकान भी इसी इलाके में है। ब्रिटेन में कोविड-19 के 7 अलग अलग टीकों की तीसरी डोज के प्रभाव पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है और इन 7 कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का ट्रायल लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी है ये वैक्सीन और किस तरह से इनका ट्रायल होगा। ब्रिटेन में कोविड-19 के 7 अलग अलग टीकों की तीसरी डोज के प्रभाव पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। ब्रिटेन ने 7 कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का ट्रायल लॉन्च कर दिया है। टेक और बूस्ट नाम के इस ट्रायल के दौरान ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना, नोवैक्स, वैक्सीन जैनसन और क्यूनवैक की तीसरी डोज का शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पर असर देखा जाएगा। इसका ट्रायल जून में शुरू हुआ। सभी आयु वर्ग के 3000 लोग इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने दिसंबर या जनवरी में अपनी पहली वैक्सीन की डोज ले ली है। ट्रायल में शामिल लोगों को पहले, तीसरे और 12वें माह में एंटीबॉडी टेस्ट पर उनकी प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया को जांचा जाएगा और रक्त में एंटीबॉडी का उच्च स्तर ये दर्शाएगा कि शरीर कोविड-19 से लड़ने में सक्षम है। बता दें कि इस ट्रायल में लगभग 1.93 करोड़ पाउंड खर्च होने की संभावना जताई जा रही है। ब्रिटेन सरकार यह व्यय वहन करेगी। ट्रायल ब्रिटेन के 18 स्थलों पर किया जाएगा, जिसमें वैक्सीन की आधी डोज का भी ट्रायल किया जाएगा और इस ट्रायल के नतीजे दिसंबर तक सामने आने की पूरी उम्मीद है। खबर जिन पर नजर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।